वेलकम बैक मार्केट का क्विक अपडेट हम फटाफट यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कॉइन की तो मतलब कल मार्केट इतना बड़ा प्राइस था कि में कॉइन के उनको जो हॉडल करते हैं इसको देख लो आप ये अच्छे से एकदम उसको डिस्क्राइब करता है तो भाई हम पागल हैं पागल ये सही गलत क्या पूछ रहे दुनिया भर की गर्ख है तो खुदा है पता नहीं नहीं कि हम क्या कर रहे कुछ भी कुछ भी तो यहाँ पर अगर हम शिबा की बात करेंगे तो बहुत ही एक्सप्लोजिव यहां पर प्राइस मूवमेंट था इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो शिबा की प्राइस इतनी मूव कि यहाँ पर एक टाइम के लिए थोड़े से टाइम के लिए यहां पर डोज कॉइन और पोलका डॉट को भी यहां पर शिबा ने कुछ टाइम तक के लिए फ्लिप कर दिया था मार्केट कैप में अब ऑल अभी करंटली थोड़ा सा हम देखते हैं तो यहाँ पर शीबा के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है कभी भी इतना बड़ा कोई प्राइस मूवमेंट होता है तो वहाँ पर करेक्शन तो कहीं ना कहीं आता है बट अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है यहाँ पर यू का एंड फिर उसके क्लोज अगर आप देखोगे वो यहाँ पर बी बन जाता है लेकिन अगर आप कल यहाँ देखते तो कल यहाँ पर 24 फोर आवर्स के अंदर शिबा यूनो जो था इसका भी ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्लोज था बी के वॉल्यूम के ओवरऑल पूरे क्रिप्टो स्पेस के अंदर अब यहाँ पर अगर हम शिबा इनों की बात करेंगे तो कल के वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर बात किया था कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे पॉइंट जीरो ज़ीरो जीरो जीरो फाइव नाइन से लेके यहाँ पर पॉइंट ज़ीरो जीरो जीरो ज़ीरो सिक्स फाइव डॉलर्स का जो एरिया ये एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा लेकिन अगर आप देखेंगे इस एरिया को भी यहाँ पर शिबा ने रिस्पेक्ट नहीं किया इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गई थी एंड एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस करी कि अगर आप देखेंगे ये लास्ट की तीन कैंडल्स देखिए पिछले तीन दिन में यहाँ पर अगर आप देखेंगे शीबा की प्राइस बहुत मैसिव तरीके से राइज करी एंड वहीं पर सिमिलरली अगर हम जाते हैं यहाँ पर डोज कॉइन के ऊपर और डोज में देखते हैं पिछले तीन दिन की कैंडल्स तो आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों कैंडल्स ऐसी थी जहाँ पर डोज की प्राइस यहाँ पर डंप कर रही थी तो ये यह क्लियरली यहां पर शो कर रहा था कि यहां पर काफ़ी ज़्यादा मनी जो है यहाँ पर मूव कर रहा था शिबा कॉइन के अंदर क्योंकि अगर किसी कॉइन की प्राइस जब इतनी राइज करती है क्रिप्टो मार्केट में तो ट्रेडर्स क्या होते हैं फटाफट मूव करते हैं दूसरे ऑल्ट से निकल के उसी में ट्रेड करने आते हैं कि मेरे कॉइन तो मूव नहीं कर रहे हैं <laughs> तो ये कॉइन मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो और जब उसकी रैली खत्म जाती है और दूसरे कॉइन में चले जाते हैं तो ये मार्केट का रोटेशन रहता है हमेशा जैसे कोई भी कॉइन मूव करता है सोल के टाइम पर भी यही सेम चीज़ हुई थी तो यहाँ पर अभी करंटली अगर आप देखोगे तीन दिन तक तो यहाँ पर शिबा के अंदर अच्छा प्राइस मूवमेंट था एंड आज अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक आया तो ये पिछले जो तीन दिन थे अगर आप देखोगे डोज की प्राइस के अंदर डंप आ रहा था और आज जैसे ही यहाँ पर शिबा के अंदर पुल बैक आना चालू हुआ यहाँ पर डोज की प्राइस राइज़ कर रही है जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोरिलेशन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अब प्रॉब्ली जिस तरह से मार्केट का मूवमेंट है शिबा से मनी निकल के यहाँ पर डोज कॉइन के अंदर आ सकता है एंड आई जर्नली फील कि यहाँ पर अगर डोज कॉइन को अगर हम देखेंगे बहुत टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन ही चल रहा था इनफैक्ट यहाँ पर हमने आपको एरियाज़ दिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर ये पॉइंट टू वन से लेके पॉइंट थ्री डॉलर्स का पॉइंट टू थ्री डॉलर्स का एरिया जो अगर आप देखोगे यहाँ पर फाइनली हिट भी हो गया तो एट टाइम्स एरिया के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है लेकिन अगर ये एरियाज़ हिट हो जाते हैं तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पर आप देख सकते हो ये एरिया आपने ही जब हिट हुए उसके बाद ऑलमोस्ट फिफ्टी का राइज है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डोज की प्राइस के अंदर भी अगर यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लिटी एकदम से पूरा का पूरा जो वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम हमको शिबा में दिख रहा था ना वो यहाँ पर डोज की रैली को किक स्टार्ट यहाँ पर कर सकता है लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट अभी करंटली ये एक तो महीने की क्लोजिंग आ रही है तो पापा बी पे तो सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है तो वो भी देखना है वहाँ पर क्या प्राइस मूवमेंट है लेकिन डोज की प्राइस में जो एक पहली चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि डोज के लिए एक जो मेजर रजिस्टेंस है ना यहाँ पर वो यहाँ पर पॉइंट थ्री डॉलर से लेके यहाँ पर पॉइंट थ्री थ्री डॉलर्स का है। जहाँ पर आप देख सकते हो बार बार प्राइस आके यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस कर रही है तो अगर ये एरिया एक बार क्रॉस हो जाता है ना पहले यहाँ पर रिजेक्शन नहीं है तो उसके बाद यहाँ पर जो प्राइस टारगेट जहाँ पर डोज की प्राइस हमको जाते हुए देखने को मिल सकती है वो यहाँ पर बन जाएगी पॉइंट थ्री एट डॉलर्स पहला एरिया एंड सेकेंड एरिया यहाँ पर बन जाएगा जीरो पॉइंट फाइव डॉलर्स का एरिया तो यहाँ पर ये दो एरियाज जो आप देख सकते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये एरिया ब्रेकआउट होना चाहिए एंड अगर यहाँ पर हमको वो रैली देखने को मिल जाएगी ना तो एकदम से क्या होगा लोगों का बहुत अटेंशन भी जाएगा एंड वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है लेकिन उसके लिए एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हमको चाहिए जो अभी देखेंगे ऑलरेडी प्रीवियस जोन से तो ब्रेकआउट हो गया हमारी जो एंट्री पॉइंट थी लेकिन अब इस जोन के अंदर जो ये रेजिस्टेंस लेवल आया क्या इसको यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट कर पाती है अभी करती है आज में कल में या फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके नेक्स्ट वीक तक वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप यहाँ पर नोटिस करना क्योंकि अगर वो आ गया तो ये टारगेट लेवल्स हैं जो यहाँ पर अचीव हो सकते हैं लेकिन पहले ये एरिया जो है वो ब्रेक होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बाकी आई वॉन्टेड टू आस दिस की मीम कॉइन्स के बहुत लवर्स हैं बहुत फॉलोअर्स हैं उनकी आर्मी है तो आप कौन सी आर्मी को बिलोंग करते हैं आप डोज कॉइन आर्मी को बिलोंग करते हैं ये शीबा इनू आर्मी को बिलोंग करते हैं दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर है तो उसके बारे में कॉमेंट्स में डाल के यहां पर जरूर बताना बाकी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा एक ही पोस्ट डाला था यहाँ पर गैरी ने यहाँ पर गैरी ने बोला कि अगर आप शीबा का ऑल टाइम लो देखोगे जो यहाँ पर है पॉइंट जीरो 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 डॉलर्स। अगर इस लो पॉइंट पे आपने एक डॉलर को इन्वेस्ट अगर आपने किया होता पॉइंट पर तो एंड किया like really होता है क्रिप्टो स्पेस में यू नेवर नो पर किस तरह से चीजें यहां पर हो जाए एंड बुल मार्केट में भी को देखने को मिलता है लेकिन बुल मार्केट में ही ऐसी होती है बट स्टिल इट इज़ क्रेजी वन डॉलर टू वन मिलियन डॉलर्स कैन यू इमेजिन कुछ भी कुछ भी बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहां पर बात करते हैं रिपल और एसी के केस के बारे में जो अगर यहां पर अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लिटी है कि ये अगले साल तक मार्च और उससे थोड़ा लेट तक यहाँ पर ड्रैग हो सकता है तो अभी जो केस है वो करंटली यहाँ पर चल ही रहा है मतलब दोनों तरफ से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हैं जो चल रहे हैं लेकिन लॉ सूट और ड्रैग हो सकता है अनलेस एन अनटल उससे पहले ए बोलती है और रिपल बात करते हैं और बोलते हैं कि चलो हम सेटलमेंट कर दें जिसके बारे में रिपल ने एक तरह से इंडिकेट भी किया कि हमने कोशिश करी है सेटलमेंट की लेकिन वो उस टर्म्स पर वैसा हुआ नहीं है तो अभी प्रॉबली ये लॉ सूट ही चल रहा है इन इंडियन कहीं ना कहीं जाके सेटलमेंट होगा दैट इज़ वॉट आई फील क्योंकि पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स के साथ हो चुका है लेकिन कब होता है कहाँ पर होता है दैट इज समथिंग विच वील हैव टू सी बट समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू मेंशन वाज कि यूजली जब भी बुल मार्केट आता है के अंदर अच्छा मूवमेंट होता है पर एक्सआरपी बहुत एक्सप्लोज़िव परफॉर्म करता है एक रैली तो अच्छी वहां पर आती है तो अभी भी करंटली अगर आप देखोगे मतलब इतना सब कुछ हुआ इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस से डीलिस्टिंग हो गई एक्सआरपी की लेकिन अभी भी कम्युनिटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्सआरपी की अभी भी एक डॉलर पर ट्रेड कर रहा है एंड छोटा कॉइन भी नहीं है मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा हो जाता है इसका काफी लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर तो वन डॉलर की अगर आप देखोगे अभी भी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो एक्चुअली में अगर ये कॉइन जो इसके ऊपर ये लॉसूट वगैरह नहीं होते ना जैसे आपको सारे ऑल्ट्स में यहाँ पर एक रैली देखने को मिल रही है वन बाय वन सारे कॉइन्स में वैसे ही यहाँ पर एक्सआरपी की भी अगर एक्चुअल रैली होती ना वो वो आती तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्बिलिटी थी यहाँ पर प्राइस जो थी आराम से एट नाइन डॉलर्स को टच करके और फिर उसके बाद सेटल करके नीचे आके फोर फाइव डॉलर्स पे थोड़ा सा स्टेबल होती बहुत ज़्यादा प्रॉब्बिलिटी थी तो अभी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सआरपी की इसी कारण से सरप्राइज है क्योंकि ये पूरा जो यू का भी करंटली केस चल रहा है पूरी ये डीलिस्टिंग हुई है तो प्रॉबली अगर यहाँ पर ये जो एस और यहाँ पर जो रिपल का केस है ये अगर यहाँ पर कोई सेटलमेंट हो जाता है अगर जल्दी जितना जल्दी जब भी हो जाए वो फिर बहुत बेटर रहेगा क्योंकि अगर वो हो जाता है और फिर उसके बाद फिर कॉइंस की फिर से यहाँ पर यू के अंदर लिस्टिंग होती है तो फिर काफ़ी पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट जो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है बट वही है इस चीज़ के साथ यू नेवर नो वो कब होगा अभी करते करते इतने महीने तो यहाँ पर वैसे ही हो गए होने में हो सकता है एक दो महीने में हो जाए होने में हो सकता है कि फिर से यहाँ पर पाँच छः सात महीने तक भी कुछ नहीं हो और फिर आगे और ड्रैग हो जाए तो दैट इज़ समथिंग विच वील हैव टू सी बाकी लेट्स सी यहाँ पर चीज़ें आगे किस तरह से प्ले आउट होती है बाकी यहाँ पर कॉइन बेस के जो यहाँ पर सी है उन्होंने एक यहाँ पर कॉमेंट डाला था यहाँ पर रिपल और एस के केस के बारे में जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोली द रिपल केस सीम्स टू बी गोइंग बेटर देन एक्सपेक्टेड मीन वाइल यहाँ पर जो एसी है वो भी यहाँ पर रियलाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो का अटैक करना पॉलिटिकली पॉपुलर यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको हार्म करता है तो यहाँ पर क्या है कि अब नॉर्मली एसी किसी कंपनी के अगेंस्ट में केस करती है तो वहां पर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं लेकिन क्रिप्टो स्पेस के अंदर अगर आप किसी चीज के ऊपर किसी प्रोजेक्ट पे केस कर रहे हो तो वहां पर इम्पैक्ट जो होता है वो लोगों के ऊपर आता है जो यहाँ पर इन्वेस्टेड है तो अभी ये केस जो चल रहा है ये एक्चुअली में कंपनी के ऊपर कर रहे हैं जहां पर उससे ये कुछ रिट्रीव करना चाहते हैं पैसे की सेटलमेंट करो या जो भी चीज़ है लेकिन उसका यहाँ पर जो इंपैक्ट हो रहा है वो यहाँ पर एक्सआरपी हॉडलर्स को भी आ रहा है जिन्होंने यहाँ पर टोकन के अंदर वो इन्वेस्टेड हैं तो पहले क्लैरिटी नहीं थी अब इतना सब कुछ चल रहा है तो उनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है एंड जब पब्लिक अनहैप्पी होती है तो वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है तो उसका भी जो एक ड्रॉबैक और पब्लिक की तरफ से जो हीट है स्पेशली जो एक्सआरपी के हॉडलर्स हैं वो ए ने यहाँ पर कहीं ना कहीं देखी है एंड कॉइन बेस का तो खुद ही का यहाँ पर इंस्टेंस चल रहा है जहाँ पर अभी लैंडिंग को लॉन्च करने वाले थे एस ने बोला मत करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम केस कर देंगे तो इसके बारे में इन्होंने कमेंट किया तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि कम्युनिटी जब इस तरह से इम्पैक्ट हो पब्लिक इम्पैक्ट हो तो उनका बेनिफिट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक्चुअली में इस केस के कारण बहुत सारे लोग हैं यूएस के अंदर भी जिनको यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका यहाँ पर हुआ है बाकी लेट्स सी कि यहाँ पर ये यह जो केस है कब तक यहाँ पर सॉल्व होता है लेकिन डेफिनेटली जब सॉल्व कभी ना कभी तो होगा जब होगा तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हमको प्रॉब्लम यहाँ पर एक्सआरपी की प्राइस के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलेगा तब तक तो प्राइस थोड़ा सा ऐसी ही फ्लक्चुएट कर सकती है वन डॉलर से लेकर वन डॉलर थ्री सेंट्स तक जा सकती है उसके बीच में मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है बाकी अच्छा ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सेटलमेंट वाले न्यूज़ वाला जो ब्रेकआउट होगा वो बहुत अलग होगा लेकिन जब तक होता नहीं है वी वील जस्ट हैव टू वेट एंड सी बाकी अगर आप एक्सआरपी कम्युनिटी से एक्सआरपी आर्मी से में जरूर बताना और अगर आपके पास कोई अपडेट है जो मैंने मिस किया हुआ, केस के बारे में इंपॉर्टेंट डेफिनेटली कॉमेंट्स में बताना ताकि, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में आइडिया मिले बाकी नेक्स्ट ऑन हम पोलका डॉट के बारे में बात करेंगे पोलका डॉट जिसको भी फ्लिप किया था शिवा ने कुछ टाइम के लिए यहां पर तो पोलकाडॉट को अगर हम देखेंगे तो करेंटली आपको मैंने थोड़े से प्राइस लेवल्स दिए थे वो अभी तक वैसे हिट नहीं किए प्रीवियस वाले करे थे रिसेंट वाले नहीं करे तो वहां पर अगर हम देखेंगे अभी पोलका डॉट जो है यहां पर अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड यहां पर स्ट्रगल कर रहा है एंड वट आई वॉन्ट टू सी पोलका डॉट यहां पर अपना सपोर्ट जो है वो यहां पर कंफर्म कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया होगा यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो पहला एरिया फिफ्टी फाइव डॉलर को जाएगा उसके बाद एटी टू डॉलर्स को जाएगा एंड पोलकाडॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट है विच आई फील लॉन्ग टर्म के अंदर यहां पर सेवेंटी एट्टी डॉलर भी जा सकते हैं स्पेशली क्योंकि पोलका डॉट पैरा चीन है उनके ऑप्शन भी यहां पर होने वाले हैं तो यहां पर इनके जो ऑप्शन है वो स्टार्ट होने वाले हैं, जहां पर पहला जो फेज है वो इलेवंथ ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा उसके बाद जो सेकेंड है वो दिसंबर ट्वेंटी थर्ड से एंड फिर नाइन्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक चलेगा तो ये कुछ महीनों का पूरा ये टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आने वाले हैं एंड यहाँ पर पैरा चेंज के लिए ऑप्शन होंगे तो जैसे अगर आप कुसामा जो है कुसामा को फॉलो करते हो तो इसके ऊपर भी सेम मॉडल है टेस्टिंग नेट है एक तरह से पोलका डॉट को कोई भी चीज़ टेस्ट करनी होती है पोलका डॉट पर डालने से पहले तो पहले टेस्ट करते हैं कुसामा के ऊपर तो वहाँ पर भी सेम फॉर्मेट को यहाँ पर एक तरह से टेस्ट किया था वहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स थे काफ़ी सारे जो यहाँ पर आए थे तो उसी को लेकर आप चीज के जो ऑप्शन हैं उसके लिए यहाँ पर ही आ रहे हैं जहां पर लोग जो हैं अपने डॉट को यहाँ पर लॉक करा के यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप बताना कॉमेंट्स में डाल के आई डेफिनेटली ट्राई टू डू इट तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर आने वाले जिसमें अकाला मून बीम मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग एंड प्रॉबली अगर ये ऑप्शन की डेट पास में आती है तो, 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 तो यहाँ पर हो सकता है हमको अच्छी प्राइस मूवमेंट देखने को मिल जाए क्योंकि अभी तक तो वो प्राइस मूवमेंट नहीं है मोस्टली यहाँ पर प्राइस का जो कंसोलिडेशन है वो यहाँ पर चल रहा है तो अगर ऑक्शन डेट आती है उसके आसपास सबसे पहले यहां पर जो 46 सिक्स डॉलर का एरिया ये अगर ब्रेक होता है तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव यहां पर हो जाएगा एंड फिर लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव से तो वैसे भी पोलका डॉट एक ऐसा कॉइन है जो अगर आप हॉडल करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली डू इट तो ये आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर भी सब्सक्राइब करिए बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट यहां पर मीम मीमकॉइन्स को लेकर आपको लगता है मीम मीमकॉइंस कम्युनिटी के लिए अच्छे हैं आप उनको सपोर्ट करते हैं आप नहीं करते हैं बाकी पर रिपल और एसीसी के के केस को लेकर के आपके क्या व्यू पॉइंट्स है वो भी आप कॉमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर बाय बाय